दोस्तों सब्सक्राइब करें थंडर वर्ल्ड चैनल को और इस घंटे को दबाकर हमारी वीडियो सबसे पहले देखें। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कार्मेन विंस्टेंट। एक 17 साल की लड़की थी जिसका नाम था कार्मेन। वो एक नए शहर में रहने आई थी। उसके पिता ने नौकरी करने के लिए ये नया शहर ढूंढा था और कार्मेन को 20 साल में नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। जब कार्मेन स्कूल में दाखिल हुई तो उसे कोई भी पहचानता नहीं था। उसे दोस्त बनाने में मुश्किल हो रही थी। स्कूल के सभी बच्चे उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखते थे और उसे देख के हंसते थे। एक दिन अचानक से कार्मेन के सामने उसके स्कूल की 5 सबसे मशहूर लड़कियां दोस्ती करने के लिए कार्मेन के पास आई। ये सब देख के कार्मेन को आश्चर्य हुआ, पर उसने ज़्यादा नहीं सोचते हुए हाँ कर दिया। पर कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि वो 5 लड़कियां उसके पीठ पीछे उसके बारे में बुराइयां करती हैं। और जब इसके बारे में कार्मेन उससे पूछती हैं तो वो 5 लड़कियां उल्टा कार्मेन को ही डांटने लगती हैं और वो 5ों लड़कियां सारे स्कूल के सामने कार्मेन को चिढ़ाने लगती हैं, और जिससे सारा स्कूल कार्मेन पे हंसने लगता है। और इसके बाद कई बच्चे कार्मेन को परेशान करने लगते हैं, तो कभी कार्मेन को अजीबोगरीब नामों से पुकारने लगते हैं। और इस घटना के बाद कार्मेन किसी से भी कुछ बात नहीं करती और अकेले रहने लगती है। पर एक दिन स्कूल छूटने के बाद वो 5 लड़कियां कार्मेन को स्कूल के बाहर घेर लेती हैं और वो लड़कियां कार्मेन को धक्का देते हुए धमकाने लगती हैं। उनके दिए हुए धक्कों से कार्मेन पीछे मौजूद एक गहरे गटर में गिर जाती है। इस गहरे गटर में गिरते हुए वो सीढ़ियों से टकराती है और उसकी गर्दन टूट जाती है और नीचे गिरने के बाद उसकी फौरन ही मौत हो जाती है। धक्का देने वाली 5 लड़कियों को ये एहसास नहीं था कि कार्मेन नीचे गिर के मर चुकी हैं। वो बार बार कार्मेन का नाम पुकारती है और उसके ऊपर हंसती हैं। उन लड़कियों के साथ साथ स्कूल के बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं। बहुत बार बुलाने के बाद भी जब कार्मेन का कोई जवाब नहीं आता है तो स्कूल के टीचरों को बुलाया जाता है और वो टीचर पुलिस को बुला लेते हैं। और फिर पुलिस इमरजेंसी वर्कर्स की मदद से उस गहरे गटर के गड्ढे में से कार्मेन का खून से लथपथ शरीर निकाल लेते हैं। और जब वो पुलिस उन 5 लड़कियों से पूछताछ करती है तो वो 5 लड़कियां ये बताती हैं कि कार्मेन चलते चलते गड्ढे में गिर गई। स्कूल का कोई भी विद्यार्थी ये नहीं बताता है कि कार्मेन का खून किया गया था, इसलिए कार्मेन की मौत एक एक्सीडेंट थी ये मामला दर्ज किया जाता है और मामले को बंद किया जाता है। और कार्मेन के मौत के लिए जिम्मेदार किसी भी विद्यार्थी को सजा नहीं मिलती। पर उस दिन के बाद से कार्मेन के स्कूल के कई बच्चे एक एक करके मरने लगते हैं और उनको अजीबोगरीब ईमेल्स मिलने लगती हैं जिनमें लिखा हुआ होता था, कार्मेन का खून हुआ है और उसके खून के लिए जिम्मेदार विद्यार्थियों को जब तक सजा नहीं होती तब तक ये मौतें रुकेंगी नहीं। और इस ईमेल को नज़रअंदाज करने वाले की भी वही हालत होगी। कहा जाता है कि इस ईमेल को नज़रअंदाज करने वाले का बहुत बुरा हाल हुआ। कई लोग रहस्यमय तरीके से गटर में मरे हुए पाए गए, उनकी भी गर्दन टूटी हुई पाई गई और उनके चेहरे की चमड़ी नोच ली गई थी। कहा जाता है कि अगर आपको भी कोई ऐसा ईमेल मिले तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। उस ईमेल को नज़रअंदाज करने से आपकी भी वही हालत होगी जो औरों की हुई थी। बचने के लिए आपको उस ईमेल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about.